हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जीवन एक सपना में। दोस्तों आज हम हैं पूर्णागिरी धाम में और आपको दिखाएंगे एक विचित्र जगह जहाँ पे नहाना होता है। झरने के ठंडे ठंडे पानी से नहाकर अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं एक विचित्र जगह जहाँ हम लोग स्नान करने जा रहे हैं अभी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये है टैक्सी स्टैंड जहाँ से जाती हैं भैरव बाबा तक टैक्सी, यहीं से मिलती हैं। सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर करीबन 6 किलोमीटर भैरव बाबा तक जाती हैं। जो लोग पैदल जाते हैं वो पैदल यात्रा करते हैं और जो टैक्सी से जाते हैं वो भैरव बाबा तक 30 रुपये किराए में भैरव बाबा तक पहुँच जाते हैं। ये सारी टैक्सियाँ यहाँ से मिलती हैं। तो दोस्तों ये है टैक्सी स्टैंड जहाँ से मिलती हैं भैरव बाबा तक के लिए टैक्सी, और यहीं से ये देखिए टैक्सी खड़ी हुई है और ये टैक्सी पहुँचाती हैं भैरव बाबा तक। यहाँ से 6 किलोमीटर है भैरव बाबा, और ये देखिए ये रास्ता है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये इस पहाड़ पे माँ पूर्णागिरी का धाम है। और भैरव बाबा करीबन 6 किलोमीटर है, वहाँ तक टैक्सी जाती हैं। तो अभी हम लोग इधर जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे झरने में स्नान करने। और ये ब्रिज है, यहीं से रास्ता गया हुआ ये साइड में, आगे झरना है काफ़ी दूर, वहीं पे चलते हैं अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये रास्ता है, काफ़ी कठिन और दुर्गम रास्ता है, बहुत संभल के चलना है धीरे धीरे, लेकिन जो वहाँ पे स्नान करेंगे उसका आनंद ही कुछ अलग होगा। जो पहाड़ों से पानी आता है बहुत ही स्वच्छ निर्मल पानी होता है, और उससे नहा के काफ़ी ठंडा पानी होता है, नहा के अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। और ये देखिए दोस्तों पहाड़ों के बीच छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए, और बहुत ही संभल के चलना है, पहाड़ों के दूर जाके वहाँ पे स्नान करना है। ये दोनों तरफ पहाड़ हैं और ये बीच में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और ये देखिए पानी आ रहा है, आगे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, वहीं पे नहा के नहाते हैं, चलते हैं दोस्तों वहीं पे। ये देखिए दोस्तों ये पानी आ रहा है, और ये देखिए कितना बड़ा पत्थर, आगे पहाड़ ही पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और ये देखिए ओवरब्रिज, यहीं से गाड़ियाँ पास होके जाती हैं आगे, और ये देखिए कितना सुंदर और स्वच्छ पानी। ये देखिए दोस्तों उन्हीं पत्थरों पे पैर रख के बस चलना है। ये देखिए ये यहाँ पे बहुत ही स्वच्छ पानी है, यहाँ पर भी नहा सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे जाके वहाँ पे नहाएंगे। बहुत ही निर्मल पानी, बहुत ही स्वच्छ, यहाँ पे तो पानी के अंदर जाके डुबकी भी लगा सकते हैं। तो अभी और आगे हम लोग चलते हैं और आगे स्नान करेंगे। देखिए दोस्तों ये झरना आ रहा है, और बहुत ही स्वच्छ अंदर से पानी आ रहा है, कल कल करता हुआ बह रहा है, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। पहाड़ों में दोस्तों जीवन बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही सुंदर और स्वच्छ वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा लगता है पहाड़ों में, और हमें तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं हमारा क्या नाता है पहाड़ों से, जो पहाड़ों में आके एक सुकून सा मिलता है वो अद्भुत है। ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर नज़ारा है पहाड़ों के बीच, और छोटा सा झरना बहता हुआ, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखिए दोस्तों इतना ही सुंदर नज़ारा है, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा, प्यारा सा माहौल, और दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हुए। ये देखिए दो हमारे साथी हैं जो आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, पत्थर पकड़ पकड़ के चल रहे हैं। अभी और आगे चलेंगे हम लोग और वहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में। क्या पत्थर हैं, बहुत ही कठिन है चलने में, इन पत्थरों को पार करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कठिन पत्थरों को पकड़ पकड़ के आगे बढ़ना है और बहुत संभल के चलना है, क्योंकि पत्थर
अगर रपट गए तो चोट भी लग सकती है। ये देखिए दोस्तों कितना ही स्वच्छ जल है, और यहीं पे हम करेंगे स्नान। यहाँ पे डुबकी भी लगाई जा सकती है। यहाँ पे देखिए ये अंदर गहरा भी पानी है और बहुत ही स्वच्छ जल है। ये देखिए आ रहा है, ये काफ़ी दूर से आ रहा है, और यहीं पे बस हम लोग स्नान करने वाले हैं। आगे देखिए, आगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे झरने का पानी वहाँ से आ रहा है। तो यहीं पे अभी हम लोग स्नान कर रहे हैं। देखिए कितना स्वच्छ जल है और बिल्कुल साफ पानी जो अंदर तक दिखाई दे रहा है। पहाड़ से आया हुआ पानी जो इतना स्वच्छ है कि अंदर के पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पत्थर जो अंदर है, बहुत ही स्वच्छ जल है। और यहाँ पे जो स्नान करेगा उसको बहुत ही अच्छा अनुभव आएगा और बहुत ही फ्रेश महसूस करेगा, बहुत ही आनंद आएगा। यहाँ पे काफ़ी ठंडा जल है और स्वच्छ जल में इसमें स्नान करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत ही ठंडा पानी। ये देखिए दोस्तों हमारे साथी लोग जो आए हैं साथ में, वो लोग नहा रहे हैं और बहुत ही ठंडा पानी है काफ़ी, जो एक ही डुबकी में मज़ा आ जाता है। एक ही डुबकी में और ये ठंडे पानी से नहा लो तो बहुत ही फ्रेश हो जाता है आदमी। देखिए कितना ही आनंद आ रहा है। यहाँ पे दूर दूर तक पहाड़ और पहाड़ों के बीच बहता हुआ ये झरना और उसमें प्यारा सा स्नान, बड़ा ही आनंददायक और बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों हो गया है स्नान, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा स्नान करने का। बहुत ही ठंडा जल था, बहुत ही मज़ा आया, सारी थकान दूर हो गई। और इन पहाड़ों की वादियों में रहने का जो सुकून है, रुकने का जो सुकून है, वो अद्भुत है दोस्तों। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में माता पूर्णागिरि के। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।